सब लोग आए हो, आप सब लोग ठीक होंगे। सो गाइस आज है मम्मी की अपॉइंटमेंट एंड मैं जा रही हूँ मम्मी को लेके डॉक्टर के पास, क्योंकि मेरी मम्मी के जो दांत है उसमें मम्मी के पेन रहता है एंड शायद कीड़ा वगैरह लगा है तो उसमें मम्मी कैप चढ़वा रही है। तो आज मम्मी के दांत की कटिंग होगी, फिर उसके एक हफ्ते बाद कैप चढ़ेंगी। तो मैं तो रेडी हो चुकी हूँ, मेरी मम्मी रेडी हो रही है तो गाइस आइए। सो हे गाइस, मेरी मम्मी रेडी होके आ चुकी है तो आइए हम चलते हैं। सो गाइस हम पहुंच चुके हैं एंड मैं स्कूटी पार्क कर रही हूँ, तो आइए गाइस अब हम अंदर चलते हैं। ये है डॉक्टर का क्लिनिक। सो गाइस मम्मी अंदर जा रही है क्लिनिक के एंड देखिए कितना कितना सुंदर क्लिनिक है एंड इसके अंदर जो लाइटिंग थी ना वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। सो गाइस हम काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए थे एंड दीदी ने हमें कॉल भी की थी। सो गाइस मम्मी अंदर जा रही है एंड दीदी तो पता नहीं मुझे ऐसे देख रही थी कि मैं क्या कर रही हूँ। फिर मैंने दीदी को बताया दीदी मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ, फिर मैंने थोड़ा सा अंदर का भी शूट कर लिया एंड वैसे यहाँ पर अलाउड तो नहीं है वीडियो वगैरह बनाना बट मैंने थोड़ा सा शूट किया है। एंड गाइस मैं तो काफ़ी ज़्यादा बोर हो रही थी, मेरे को पता नहीं लग रहा था कि कितना टाइम लगेगा, वैसे थोड़ा सा जल्दी हो ही गया, आधा घंटा लगा था मैक्सिमम। और गाइस आज तो कोई दिख भी नहीं रहा था और ना कोई आया था तो मैं तो अकेली बैठी थी और मैं काफ़ी ज़्यादा बोर हो रही थी। फिर मैंने थोड़ी सी वीडियोस और शूट कर ली एंड फिर मैं बाहर की भी वीडियो शूट कर रही थी, फिर कुछ लोग आ गए थे एंड गाइस मम्मी अभी भी बाहर नहीं आई थी एंड मैं तो काफ़ी ज़्यादा बोर हो रही थी तो मैं अपनी कुछ वीडियोज़ बनाने लगी एंड फिर मम्मी आ ही गई आखिरकार। फिर मम्मी दीदी से बात कर रही थी कि नेक्स्ट अपॉइंटमेंट किस डेट का है, क्या क्या टाइमिंग है, फिर मम्मी उस बारे में डिस्कस कर रही थी। एंड गाइस मैं काफ़ी ज़्यादा बोर हो रही थी, फिर मैंने मम्मी से बोला मम्मी चलना भी है, जल्दी जल्दी बातें फिनिश करो अपनी एंड जल्दी जल्दी अपॉइंटमेंट लो, नेक्स्ट कब की है कब की नहीं। एंड गाइस फिर मम्मी ने फीस जमा की एंड अपॉइंटमेंट नेक्स्ट 17 डेट की है 11 बजे सुबह एंड शायद नेक्स्ट अपॉइंटमेंट में मम्मी के कैप चढ़ जाएगी, वैसे मुझे इतना पता नहीं है, वो तो मम्मी को ही पता है, डॉक्टर ने मम्मी को ही बताया होगा क्योंकि मैं तो बाहर बैठी थी। सो गाइस इसके बाद हम जाएंगे मार्केट में सामान लेने, घर का राशन, तो अभी तो मम्मी दीदी से बात ही कर रही है फ़िलहाल। सो गाइस फाइनली मम्मी की नेक्स्ट अपॉइंटमेंट मिल गई है तो अब हम जा रहे हैं मार्केट में सामान लेने, घर का राशन। सो गाइस मेरी मम्मी देखी कितनी भुलक्कड़ है, पर्स अंदर ही छोड़ के जा रही थी, फिर मैंने बोला मम्मी अंदर पर्स रह गया, फिर वो पर्स लेकर आई। सो गाइस अब हम चलते हैं। तो कैसा लगा? अच्छा पूरा दे घिस दिया था, पूरा घिस दिया। सो गाइस अब हम जा रहे हैं शॉप पे राशन लेने, तो गाइस आइए चलते हैं। सो गाइस ये है वो शॉप जहाँ से मेरे दादाजी राशन लेने आते हैं।
सो गाइस आज हम सुभाष नगर में आ रहे थे, तो दादी जी ने बोला कि तुम लोग वहाँ से सामान लेके आ जाना। तो हम लोग फर्स्ट टाइम आए थे एंड हमें भैया ने देख के ही पहचान लिया था कि आप शिवालिक नगर से आए हो। तो मम्मी ने बोला हाँ, तो भैया से पूछा कि आपको कैसे पता, तो कह रहे हाँ अंकल जी लेके जाते थे सामान, तो वो शिवालिक नगर से ही आते थे। तो शायद भैया ने हमारी स्कूटी देख के हमें पहचान लिया। तो काफ़ी ज़्यादा सामान था, लेना था हम लोगों, क्योंकि हम घर का राशन एक बार में ही ले लेते हैं सारा, कि जिससे कि बार बार शॉप पे जाने की ज़रूरत ना पड़े। तो अभी तो मम्मी ने भैया को पेपर दे दिया जिस पे सारा सामान लिखा था, एंड भैया हमें ढूंढ ढूंढ के दे रहे थे सारा सामान। सो गाइस हमने सामान ले लिया, अब हमें पैसे दे दिए सामान के। सो गाइस अब हम जाएंगे समोसे लेने, एंड मैं जब भी मम्मी को लेके क्लिनिक आती हूँ मैं यहाँ के समोसे ज़रूर खाती हूँ, एंड घर पे भी पैक करा के लेके जाती हूँ, क्योंकि मेरे समोसे काफ़ी ज़्यादा फेवरेट हैं। एंड मम्मी पैक करा रही थी समोसे मेरे लिए, एंड दीदी कह रही थी कि मुझे शर्म आ रही है मेरी वीडियो मतलब। रेड वाली, रेड Thank you.
सो गाइस मम्मी ने समोसे ले लिए हैं एंड अब हम चलते हैं घर पे। टिकू प्रीता बच्चा क्या है? भाग गए थे, मम्मी को दिखाने गए थे। अरे चिट्ठी आई भाई, बिस्किट आई शिकू के लिए, बिस्किट आई शिकू के लिए। सो गाइस मैं अब जा रही हूं शिकू को खाने, मेरे मिशन थी। शिकू ए शिकू चलो आजा। सो गाइस ये देखिए नेक्स्ट होटल है, ये है आर1 गेस्ट हाउस। गाइस मेरे छोटे भाई का आने का टाइम भी हो रहा है, तो सी लेते हुए घर जाएंगे वापस। तो अब उसका वेट करना पड़ेगा कि कितने बजे बस आती है, और देखो धूप कितनी तेज है, हवा भी चल रही है, लेकिन मजा भी आ रहा है। मैं सिल्की मुझे देखना जरा, आओ
थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो.